उत्तरकाशी में एवलांच का कहर, चार की मौत, चार का किया गया रेस्क्यू। 21 पर्वतारोही अभी भी बर्फीले तूफान में फंसे, खराब मौसम के कारण रुका रेस्क्यू, कल फिर शुरू होगा रेस्क्यू ऑपरेशन। एवलांच को लेकर सीएम धामी का ट्वीट, कहा सभी टीमें बचाव में लगी, भगवान से प्रार्थना है कि लोग सुरक्षित वापस लौटें। उत्तरकाशी एवलांच हादसे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जताया दुख, कहा बहुमूल्य जानमाल के नुकसान से हुआ गहरा दुख, प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। उत्तरकाशी में हुई हिमस्खलन की घटना पर अमित शाह का ट्वीट, कहा हादसा दुखद है, सेना की टीमें पूरी तत्परता से राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। उत्तराखंड में एवलांच को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का बयान, कहा ग्लेशियर क्यों टूट रहा है इसकी जांच कराई जाएगी, 23 सितंबर और 1 अक्टूबर को आया था केदारनाथ पर एवलांच। पौड़ी में बारातियों से भरी बस गहरी खाई में गिरी, हादसे में 8 लोगों की मौत की आशंका, तलाश जारी। कानपुर में गंगा नदी में नहाने के दौरान 6 लोग डूबे, 4 युवतियां, 2 युवक नहाते समय डूबे, 1 का मिला शव। लखनऊ की गोमती नदी में 3 से 4 श्रद्धालुओं के डूबने की खबर, मूर्ति विसर्जन के दौरान गोमती नदी में डूबे श्रद्धालु, कई थानों की फोर्स रेस्क्यू में जुटी। मिर्जापुर जिले में गुफा वाले दुर्गा पंडाल को खुलवाया गया, भदोही हादसे के बाद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बिजनौर में सड़क किनारे पलटी अनियंत्रित बस, दर्जन भर से ज्यादा यात्री जख्मी, 2 यात्रियों की हालत नाजुक, जिला अस्पताल में भर्ती। दिल्ली से कोटद्वार जा रही थी उत्तराखंड डिपो की बस, सीएम योगी ने जताया हादसे पर दुख। भदोही अग्निकांड में मरने वालों की संख्या बढ़ी, अब तक 6 लोगों की हुई मौत, 60 का इलाज जारी। जालौन में तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल उरई रेफर किया गया। बांदा में घर में घुसा तेज रफ्तार ट्रक, वृद्ध की मौत, 2 मवेशियों को भी कुचला, मंद तोड़ते हुए पेड़ से टकराया, हादसे के बाद चालक फरार। बिजनौर में मिनी ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार की मौत। रायबरेली में गिरा कच्चा मकान, 3 बहनें मलबे में दबी, तीनों का किया गया रेस्क्यू, हालत स्थिर। मथुरा में 1 साल पहले हुई हत्या का खुलासा, पति ने ही रची थी पत्नी और 2 बच्चों की हत्या की साजिश, 1,50,000 देकर कराई थी हत्या। झांसी के धसान नदी में गिरा ट्रक, ग्रामीणों ने ट्रक चालक की बचाई जान, ट्रक में लदा माल नदी में बहा। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल ने जारी किया नेताजी का हेल्थ बुलेटिन, हालत अभी भी स्थिर, सीसीयू से आईसीयू में किया गया शिफ्ट, देशभर में दुआओं का दौर जारी। मुलायम सिंह के बेटे प्रतीक यादव पहुंचे मेदांता, पिता का जाना हाल, नेताजी की हालत नाजुक। चंदौली में नेताजी के लिए हो रही पूजा अर्चना, महिलाओं और बच्चों ने किया हवन, नेताजी के स्वस्थ होने की मांगी दुआ। आजमगढ़ में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य को लेकर हुआ हवन, कार्यकर्ताओं ने किया पूजा पाठ। औरैया में सपा कार्यकर्ताओं सहित अन्य दलों ने की नेताजी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना, मंदिर में किया हवन पूजन। मैनपुरी में मुलायम यूथ ब्रिगेड ने मजार पर चढ़ाई चादर, सपा संरक्षक के लिए मांगी दुआ। पूर्व मंत्री पवन पांडे ने अयोध्या में मुलायम सिंह के लिए की पूजा अर्चना, नेताजी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। नेताजी की तबियत को लेकर बोली अंबिका चौधरी, नेताजी की तबियत पहले से बेहतर, दुआओं और दवाओं का दिख रहा असर। संभल में सपा संरक्षक मुलायम सिंह की सेहत के लिए सपाइयों ने दरगाह पर चादर पेश की, हजरत याकूब अली शाह रहमतुल्ला की दरगाह पर चादर पेशी कर मुलायम सिंह की सेहत के लिए दुआ मांगी। संभल में आजम कुरैशी के निशाने पर आए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, कहा अखिलेश वोट लेने के लिए मुसलमानों को बनाते हैं बेवकूफ। विजयदशमी के त्यौहार पर श्रद्धालुओं ने किया गोरक्षपीठाधीश्वर का तिलक, संतों ने किया मंगल पाठ, नाथ पंथ की विशिष्ट परंपरा के मुताबिक किया प्रणाम। गोरखपुर में धूमधाम से निकाली गई गोरक्षपीठाधीश्वर की शोभा यात्रा, रथ पर सवार होकर सीएम योगी पहुंचे रामलीला मैदान, भगवान श्री राम को लगाया टीका। महानवमी के मौके पर सीएम योगी ने की विशेष पूजा अर्चना, कन्याओं का पूजन कर प्रसाद का किया वितरण। गोरक्षपीठ में नवमी पर खास कार्यक्रम, सीएम योगी ने कन्या कुवारियों के चरण धुलकर लिया आशीर्वाद। शारदीय नवरात्र पर सीएम योगी ने दी शुभकामनाएं, देवी स्वरूपा कन्याओं की पूजा पर बोले सीएम, ये मेरा सौभाग्य की कार्यक्रम में शामिल हो पा रहा हूं। देहरादून बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सीएम धामी ने हवन यज्ञ में की शिरकत, प्रदेश अध्यक्ष समेत कई विधायक मौजूद रहे। सीएम धामी ने किया कन्या पूजन, कन्याओं के चरण धुलकर लिया आशीर्वाद।
जौनपुर में रावण का 90 फीट ऊंचा पुतला बनाने में जुटे दिल्ली से आए कलाकार सुब्बन खान परिवार के साथ शुपणखा और मेघनाथ का पुतला बनाने में जुटे। अलीगढ़ में रूबी आसिफ खान ने विधि विधान से घर में किया कन्या पूजन, भोजन के बाद दिया गिफ्ट। चंदौली में दशहरे की तैयारियां पूरी, 70 फीट के रावण का किया जाएगा दहन। वाराणसी के दुर्गा पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं का सैलाब, लोग मेले का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। सिद्धार्थनगर में आयोजित हुआ 9 दिवसीय शत चंडी महायज्ञ और रामकथा, हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने की शिरकत। जालौन में बारिश भी नहीं रोक पाई मां के भक्तों का रास्ता, धूमधाम से हुआ जवारा विसर्जन। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 16 आईएएस अधिकारियों के हुए तबादले, 16 जिलों में हुई ज्वाइंट मजिस्ट्रेट की तैनाती। जयदेव सीएम सीएस को भेजा गया वाराणसी, नुपुर गोयल को मिली उन्नाव की जिम्मेदारी। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश जतिन गिरफ्तार। बदमाश के पास से चोरी की बाइक, अवैध हथियार बरामद भी थी। 9 मई को करीब 7 लाख की लूट को दिया था अंजाम। हरदोई में बुजुर्ग दंपति की हत्या करने वाला गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। आरोपी पर 25,000 का इनाम था घोषित, मुठभेड़ में गोली लगने से आरोपी जख्मी। आजमगढ़ में लूट की घटना में शामिल बदमाश से पुलिस की मुठभेड़, गोली लगने से बदमाश जख्मी, तमंचा कारतूस लूट की नकदी बरामद। एटा में घनश्यामपुर में कई घरों में तोड़फोड़, पुलिस की टीम पर तोड़फोड़ करने का आरोप, थाना अध्यक्ष गजराज किए गए लाइन हाजिर, एक शख्स को बुरी तरीके से पीटने का भी आरोप, 2 दिन पहले पुलिस की टीम पर हुई थी पत्थरबाजी। महाराजगंज में देर रात एक टैक्सी चालक की उसी की कार में अज्ञात बदमाशों ने की हत्या, कार में मिले साक्ष्य के आधार पर जांच कर रही है पुलिस। बुलंदशहर में बड़ा हादसा होने से टला, जम्मू तवी एक्सप्रेस का डिब्बा पटरी से उतरा, किसी के हताहत होने की खबर नहीं, ट्रेन की रफ्तार कम होने से टल गया हादसा। बांदा में वाहन चेकिंग के दौरान 57 ट्रैक्टरों समेत 314 वाहनों पर कार्रवाई, करीब 8,64,500 जुर्माना के साथ 5 ट्रैक्टर सीज। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि को लेकर हो रही बैठक बेनतीजा, 3 घंटे तक छात्रों और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच हुई बैठक। बिजनौर में ग्रामीणों ने बर्बरता की सारी हदें की पार, मछली पालन तालाब में घुसे मगरमच्छ को रस्सी से बांधकर मुंह में घुसाया डंडा। बहराइच में बीमारी से परेशान बुजुर्ग ने फांसी पर लटक कर दे दी जान, थाना फकरपुर के इंदूर गांव का मामला। झांसी में छात्रा के खेत में जली हुई लाश मिलने से मचा हड़कंप, पुलिस कर रही है मामले की जांच। मुरादाबाद में रहस्यमय बुखार का कहर, पिछले 4 दिनों में बुखार से 3 लोगों की मौत, पिछले 1 महीने में बुखार से 6 लोगों की मौत, हर घर में रहस्यमय बुखार का असर, ग्रामीणों में रहस्यमय बुखार का खौफ। झांसी के दुर्गा पंडाल में 2 गुटों में हुई जमकर मारपीट, 2 लोग हुए जख्मी। बुलंदशहर में पति ने पत्नी और बेटे की हत्या का दर्ज कराया मुकदमा, पुलिस ने पत्नी को बेटे के साथ मेरठ से जिंदा बरामद किया। यूपी में ट्रैक्टरों के खिलाफ हो रही कार्रवाई पर बोले राकेश टिकैत, कहा किसान आंदोलन में ट्रैक्टर ना चले इसलिए ये किया जा रहा है। कन्नौज में आरिफ ने अमित बनकर छात्रा से की दोस्ती, रेलवे में नौकरी का लालच देकर किया दुष्कर्म, छात्रा का अश्लील वीडियो बनाकर धर्म परिवर्तन का बनाया दबाव, 4 के खिलाफ केस दर्ज। फतेहपुर में डिलीवरी के बाद महिला की मौत, परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही का आरोप, अस्पताल में जमकर किया हंगामा। जालौन में पुरानी रंजिश के चलते युवक पर जानलेवा हमला, गांव के ही दबंगों ने कुल्हाड़ी से मारा युवक की हालत गंभीर। ललितपुर में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में एक इलेक्ट्रीशियन की मौत, मजदूरों ने कहा करंट लगने से हुई मौत, पुलिस कर रही है जांच। बुलंदशहर में हैरान कर देने वाला मामला आया सामने, पति ने दर्ज कराई पत्नी और बेटे की हत्या की FIR, मेरठ से पुलिस ने पत्नी और बेटे को जिंदा किया बरामद। आगरा में शांति भंग करने की कोशिश, अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी की, मंदिर में तोड़फोड़ की, मूर्तियों को नाले में फेंका, हिंदू संगठनों का फूटा गुस्सा। बिजनौर में शरारती तत्वों ने की भगवान गणेश की मूर्ति खंडित, भूमिया देवी मंदिर के गेट पर लगी थी मूर्ति, हिंदू संगठनों में रोष, पुलिस कर रही है मामले की जांच। संत कबीर नगर में आप सांसद संजय सिंह ने सरकार पर साधा निशाना, कहा प्रदेश के स्कूलों में बच्चे नमक रोटी और सूखा भात खा रहे हैं, प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल। बुलंदशहर में अवैध संबंध के चलते 2 चचेरे भाइयों की सिर काटकर हत्या,
संबल क्षेत्र में मिले दोनों के धड़ सिरों की तलाश जारी। हत्या के तीन आरोपी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी तुषार फरार। बिजनौर में यूपी पुलिस की वर्दी पहनकर उगाही करने वाले फर्जी सिपाही का पर्दाफाश, भोले भाले लोगों से उगाही करता था शख्स। संबल में मृत पशुओं के अवशेषों को लेकर हुए विवाद, दो समुदाय के लोगों के बीच मारपीट। आगरा में दबंग बेखौफ, लोगों को डराने के लिए मकान के गेट पर की फायरिंग। रायबरेली में खनन माफियाओं के खिलाफ अभियान जारी, एसडीएम ने एक जेसीबी मशीन और मिट्टी से भरा डंपर किया सीज। नैनीताल के सरोवर नगरी में डेंगू ने पसारे पैर, अब तक 52 मरीजों में डेंगू की पुष्टि। इलाकों की स्वास्थ्य विभाग कर रहा मॉनिटरिंग, हल्द्वानी के अलग अलग वार्ड में फॉगिंग। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का हरीश रावत पर तंज, बीजेपी के हवन का दिख रहा असर, अब ब्रेक लेने की बात कर रहे हैं हरदा। अंकिता हत्याकांड को हरीश रावत का मौन व्रत, आरोपियों को सजा दिलाने की मांग, दिल्ली में अपने आवास पर एक घंटे का मौन व्रत रखा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार पंचायत चुनाव के विजयी प्रत्याशियों ने भेंट की, मुख्यमंत्री ने सभी को बधाई देते हुए क्षेत्र के विकास में सहयोगी बनने की उम्मीद जाहिर की। बागेश्वर में रोशनी से नहाई बाबा बागनाथ की नगरी, सरयू तट पर 21,000 दिए जलाए गए, बड़ी संख्या में लोगों ने आरती में लिया हिस्सा, दीपोत्सव के साथ मां सरयू की आरती की। उधम सिंह नगर में दशहरे की तैयारियों में जुटी कमेटी, रामलीला कमेटी की तैयारियां पूरी, रावण के 60 फीट ऊंचे पुतले का होगा दहन, मेघनाथ का 55 फीट ऊंचा पुतला बनकर तैयार। देहरादून में आईटीबीपी जवानों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, देशभक्ति गीतों से स्वागत, डिनर पर साथ साथ बैठे रक्षा मंत्री और देश के रक्षा प्रहरी। फैजाबाद कैंट का नाम अब अयोध्या कैंट होगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। जम्मू कश्मीर के डीजी जेल हेमंत लोहिया की गला रेतकर हत्या, जम्मू में संदिग्ध हालत में घर में मिला शव। जम्मू कश्मीर के डीजी जेल की हत्या का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी नौकर यासिर को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी यासिर से पूछताछ में जुटी पुलिस, हेमंत लोहिया की हत्या के बाद से फरार था आरोपी यासिर। घटनास्थल से यासिर की डायरी बरामद, डायरी में आरोपी यासिर ने मौत की बातें लिखी, डायरी में आरोपी यासिर ने लिखा, मुझे जिंदगी से नफरत। महाराष्ट्र के पालघर में गरबा कार्यक्रम में बड़ा हादसा, गरबा खेलते खेलते पिता और पुत्र की मौके पर ही मौत, पुलिस कर रही है मामले की जांच। गुजरात के वडोदरा में धार्मिक झंडा लगाने को लेकर हिंसक झड़प, पोल पर झंडे को लेकर भिड़े दो पक्ष, अब तक 36 लोग हो चुके हैं गिरफ्तार। गुजरात के नडियाद में जमकर पथराव, नवरात्रि उत्सव में गरबा खेल रहे एक समुदाय के लोगों ने दूसरे के समूह पर किया हमला। नडियाद में तुलजा माता मंदिर के पास गरबा खेल रहे करीब 300 लोगों पर पथराव, दो पुलिसकर्मी समेत 8 लोग जख्मी, इलाज के लिए अस्पताल में करवाया गया भर्ती। फिल्म आदि पुरुष के विवाद पर बोले एमपी के गृह मंत्री, फिल्म से आपत्तिजनक सीन हटाए जाए, फिल्म के डायरेक्टर को पत्र लिखूंगा। नरोत्तम मिश्रा ने कहा दृश्य नहीं हटाए गए तो कानूनी कार्रवाई, हमारे भगवानों का चित्रण सही तरीके से नहीं किया गया। फिल्म आदि पुरुष में सैफ के रावण लुक पर विवाद, हिंदू महासभा ने सैफ अली खान के रावण लुक की निंदा की। हिंदू महासभा ने कहा फिल्म आदि पुरुष में रावण का लुक मुगल शासकों की तरह दिखाया गया है, हिंदू परंपराओं के मुताबिक फिल्म नहीं बनाई गई। दिल्ली में फिर बढ़ी केजरीवाल सरकार की मुश्किलें, उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने बिजली सब्सिडी मामले की जांच के आदेश दिए। दिल्ली में बिजली की सब्सिडी मामले में एलजी ने मुख्य सचिव से मांगी रिपोर्ट, 7 दिनों में रिपोर्ट देने को कहा, बिजली सब्सिडी में अनियमितता मामले में रिपोर्ट तलब। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल बढ़ाने के साथ बीजेपी के संगठन में होगा बदलाव, बीजेपी प्रवक्ताओं की टीम में जल्द होगा फेरबदल। गुजरात के वडोदरा में दो समुदायों के बीच झड़प के बाद तनाव, दोनों तरफ से हुई पत्थरबाजी, आने वाले ईद मिलादुन्नबी के लिए बिजली के खंभे पर धार्मिक झंडा लगाने को लेकर हुआ विवाद, 40 गिरफ्तार। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के 5 नेताओं को ईडी ने भेजा समन, पूछताछ के लिए बुलाया, सूत्र के मुताबिक राहुल और सोनिया गांधी के यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर रहते दिया था डोनेशन। इंडोनेशिया फुटबॉल मैच में भगदड़ में कम से कम 32 बच्चों की मौत, पुलिस के आंसू गैस के गोले छोड़ने के बाद मच गई थी भगदड़। स्पेन की पुलिस ने EH216 नाम के ड्रोन का वीडियो जारी किया, ये मेगा ड्रोन 2 यात्रियों को ले जाने में है सक्षम, ऐसे इलाकों में इस्तेमाल किया जा सकता है जहां सामान्य हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता। थाईलैंड में डेंगू से बचाव के लिए जापान की कॉस्मेटिक कंपनी ने बनाया नया प्रोडक्ट,
जापानी कॉस्मेटिक कंपनी काओ ने तैयार किया मगरमच्छों को भगाने वाला सीरम। यूक्रेन के शहर जैपरोजिया में रूसी हमले के बाद दर्दनाक हालात, कई शवों को काले बैग में ले जाकर एम्बुलेंस में डाल दिया गया। ब्रिटेन में टैक्स कटौती के फैसले को वापस लिए जाने का विरोध, लोगों ने कंजर्वेटिव पार्टी सम्मेलन के बाहर किया प्रदर्शन। बाहरी दबाव के चलते उच्च आय पर कटौती का फैसला वापस लिया गया था। थाईलैंड में भारी बारिश से तबाही, मून नदी के उफान पर बहने की वजह से 7,000 लोग विस्थापित।